एवरीवन एंड वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हो रही है मॉर्निंग आफ्टरनून के बोल सकते हो 11:30 हो रहे हैं एंड मैं अभी जस्ट नहा करके आई। अपना व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ एंड रेडी हो चुकी हूँ। मुझे सिर्फ अभी ये इयररिंग पहनना है तो मैं अभी बस इयररिंग पहन रही थी। इस वक्त ना ये मेरी फेवरेट इयररिंग बनी हुई है तो मैं जस्ट इसी को पहनी। बाकी मैंने अपना सारा कुछ स्किन केयर रूटीन सब कुछ मैंने कर लिया है कंप्लीट। अब सीधे चलना है किचन में तो वहाँ पे मिलूंगी आपसे। पर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी ऐसी आने वाली बकबक आपको मिलती रहे। अब किचन में मिलते हैं आपसे। पर हाँ, उससे पहले जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट है मुझे फोन एंड हैंकी टक करना है। और एक तो जो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है वो है बिग टॉवल की। अब मैं बहुत ज्यादा बिग तो कितना मैं बिग कर सकती हूँ आप लोगों को भी पता है, बहुत ज्यादा बिग नहीं कर सकती हूँ। पर फिर भी ये मैंने यहाँ पे आज एक इस टॉवल को टक कर लिया है। आफ्टर दैट ये फोन, तो उसके बाद ये फोन है। और ना मैं ये फोन का वीडियो भी बनाने वाली हूँ, फोन टकिंग का आप लोगों की रिक्वेस्ट है। तो मैं इसको ये जो हमारा यहाँ पे कर्व शेप जाता है ना, मैंने इसको यहीं पे टक किया है, देख सकते हो आप। और अब मैं रेडी हूँ किचन में चलने के लिए, चलती हूँ किचन में, मिलती हूँ वहां। चलो अब चलते हैं किचन में। एंड किचन में आने के बाद आज लंच में हम रेडी करने वाले हैं आलू न्यूट्रेला का कोफ्ता, जो कि मेरा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये कोफ्ता आलू न्यूट्रेला का। तो आपके साथ भी शेयर करेंगे कि हम कैसे बनाते हैं ये कोफ्ता और सबसे पहले क्या इसमें लेना है। हाँ, तो इसमें चाहिए होती है बॉयल्ड पोटैटोस, जो कि आप देख सकते हैं मैंने बॉयल करके रख लिया है पहले ही। एंड अभी न्यूट्रेला को भी बॉयल कर लेते हैं। थोड़ा इसमें पानी डाल लिया है मैंने, अब मैं इसको थोड़ा बॉयल होने के लिए रख दूंगी। एंड जब तक ये सोख होगा बॉयल होगा मैं मसालों की तैयारी कर लेती हूँ लेके, और आप लोगों की रिक्वेस्ट में भर भर के मैं टक कर लेती हूँ। तो मैं नॉन स्टार्ट कर रही हूँ फटाफट से, कहीं कहीं पे आपको वीडियो फर्स्ट फॉरवर्डिंग भी मिलेगा। उसके बाद चिली, ग्रीन चिली की अगर मैं बात करूँ तो मैं मिर्ची इस डब्बे में रखती हूँ। इस डब्बे में रखने से ना आप देखो कितने भी टाइम तक आप रख दो मिर्ची खराब नहीं होती है, आई डोंट नो। तो मैं इसी में रखती हूँ, मिर्ची भी मैं ले लेती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो जितनी आपको पसंद हो। क्या मुसीबत है, बालों को आगे करो तो दिक्कत हो रही है, खाना बनाने में पीछे करो तो दिक्कत हो रही है। एंड इसके अलावा जो मैं जिंजर रखती हूँ ना, उसको भी मैं एक एयर टाइट कंटेनर में कट करके रखती हूँ। खत्म हो चुका है, अभी मुझे और कट करना है, फ्रिज में रखा हुआ है तो वो भी अब मैं आज करूंगी। अभी बैठ करके दिखा, तो बस एक तरफ ये मसाला भी रेडी हो गया है पिस्की, और मैं इसको फटाफट से एक बोल में निकाल करके खाली कर लूंगी क्योंकि मुझे अभी इसमें न्यूट्रेला पीसना है। दो राउंड बस मैं चला दूंगी। तो मैंने ये बाद में जानबूझ करके इसीलिए पीसा है मसाले के बाद, ताकि थोड़ा सा मसाले का फ्लेवर हमको न्यूट्रेला में भी आ जाए। और देखिए ये एकदम से बारीक पिस चुका है। उस चीज का ध्यान रखें कि आपको बेसन बहुत ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप बेसन बहुत ज्यादा डाल देंगे तो उससे क्या होता है ना कि आपकी बॉल्स बहुत ज्यादा टाइट सी हो जाती हैं। और बस इस मिक्सचर में सिंपल चीज़ें, नमक, थोड़ा सा पिसा मिर्चा, हल्दी एंड पिसा जीरा मसाला, ये सारी चीज़ें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है, छोटी छोटी बॉल्स बना लेना है। एड ऑन करने के बाद कोफ्ते की बॉल्स रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको फटाफट से फ्राई करके फिर मिलती हूँ आपसे, ग्रेवी बताती हूँ। और यहाँ भी मैंने ग्लास लगा लिया क्योंकि मैंने सुबह से नहीं लगाया था चश्मा, तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, दैट्स वाई मैंने लगा लिया। और अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगाना ही पड़ता है यार, मैं क्या करूँ, कुछ भी काम करूँ तो भी।
और ये देखिए मेरे एकदम क्रिस्पी से जो कोफ्ते की बॉल है बन करके रेडी हो गई। बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट एंड स्मूथ बनी है। आई जस्ट शो यू, तोड़ूंगी नहीं, पर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब मैं ग्रेवी की तैयारी सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। कढ़ाई ऑलरेडी जल रही है, मीन्स तेल, थोड़ा सा रिफाइंड जीरा। तो अब जो मैंने ये मसाला पीस करके रखा है इसको मैं इसमें डाल दूंगी, और मैंने कोई मिर्चे विर्चे का तड़का नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके मसाले में पीस लिया था मिर्चा, और बहुत ज़्यादा मिर्चा या फिर स्पाइस हो जाए तो हम लोग नहीं खाते हैं, सिंपली खाते हैं। इस वजह से अब दोबारा से मिर्चा ऐड ऑन नहीं करेंगे, बस जीरे का तड़का दे करके हमने इसमें ये मसाले डाल दिए जो मैंने पीस करके रखा था। और अब इसके साथ जो भी मसाले हैं थोड़े थोड़े मसाले, पिसा मिर्चा, हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें नमक ऐड कर रखा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल दूंगी। यहाँ पे भी जो मैं मसाले डाल रही थी ना, तो मसाला थोड़ा सा जाकर के इंडक्शन पे गिर गया है। तो मेरा क्या है, मैं काम के साथ साथ फटाफट से चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ, मेरे लिए सही होता है। को मैं टकी कर रही करी लेती हूँ, जाने ही दो, मुझे इसमें ज़्यादा अभी कुछ काम भी नहीं है, अभी मैं सेम वही कर रही हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है गाइस जब ना मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे वाले कमेंट्स पढ़ती हूँ। अच्छे वाले कमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, अच्छे वाले मीन्स तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े धुलने, क्योंकि भर भर मशीन कपड़े निकल रहे हैं, बताई मैंने आप लोगों को, तो कपड़े ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सर्फ भी यहाँ डिटर्जेंट बॉक्स में ऑलरेडी सर्फ था, तो मैंने सर्फ भी नहीं डाला, सिर्फ मैं यहाँ पे ये लॉन्ड्री सर्फ लाइफबॉय का मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, क्या करूँ, तो उसी को सिर्फ मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे डिटॉल, एंड इसके साथ मैं इसे भी ऐड करती हूँ। अब मशीन का काम भी हो गया मेरा, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी रूम में, रूम को सेट करना था, सेट ही था, बस थोड़ा सा मैं नहा करके आई, तो ये देखो ना मेरी आदत है यहाँ पे टॉवल फेंकने की बेड पर, तो ये मेरी बॉडी टॉवल फेस टॉवल दोनों यहीं पर थी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है तुरंत हटाने की, मेरे हबी की बहुत जल्दी वो तुरंत हटाएंगे। देखो सबके सब लोग हबी से परेशान रहते हैं कि वो टॉवल नहीं जगह पर रखते, तो यहाँ मेरे हबी मुझसे परेशान रहते हैं कि मैं टॉवल को जगह पर नहीं रखती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हटा दी, टॉवल वगैरह सारा कुछ मैंने अलमेरा में रख दिया। अब ये मैं यहाँ दोहर ठीक कर रही हूँ, सुबह ही मैंने ठीक कर दिया था, पर मौसम इतना ठंडा था कि हम वापस से इसको खोल लिए थे, और ये हमें ऐसे ही, मुझे पर्सनली मैं बोलूँ मैं दोहर को ऐसे ही सेट करके रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ऐसे रखना, मैं से बिल्कुल नहीं। और अभी आ गई हूँ किचन में, चावल चढ़ा दिया है मैंने, धुल करके रख दिया, भर दिया है। अब फटाफट से थोड़े से बर्तन थे तो मैंने सोचा कि ना मैं इसको भी धुल लेती हूँ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे ग्लव्स तक नहीं मिल रहे हैं, जो बर्तन धुलने वाला आता है एकदम नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है, पता नहीं क्या होगा, कब तक ये चलेगा नहीं पता। और ये इधर यहाँ पे कोफ्ते रेडी हो गए हैं, यहाँ पे लोग गार्निशिंग के लिए ऊपर से करियंडर लीव्स डालते हैं, पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे नहीं पसंद कच्ची करियंडर। यहाँ आउट चावल भी रेडी हो चुका है। अगर इस तरीके से आप भी एयरटाइट कंटेनर में रख दो ना, तो वो खराब नहीं होने वाला है। तो मैं लंच करने के बाद यही आकर के कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं करूंगी तो मैं भूल जाऊंगी, फिर वो ऐसे ही रखा रह जाए। अभी हुई थी जिसको कि मैं खा रही, अभी हम लोग लॉकडाउन किस दिन लगा है, परसों या कल लगा है, तो गए थे कुछ सामान लेने, तो जस्ट मैं उठा ली थी चॉकलेट भी। आई लव चॉकलेट, कौन कौन है यार चॉकलेट अब कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं सो करके उठ गई बिकॉज लंच के बाद मैं सो गई थी, बहुत अच्छी नींद आई, मौसम बहुत अच्छा है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को मैं पूरा व्यू इस वक्त का वेदर कैसा है। और अगर मैं आपको अभी वेदर दिखाऊं तो देखिए कितना प्यारा ये वेदर है, ये जो व्यू दिख रहा है ये मेरे हॉल की विंडो से दिख रहा है, ये बहुत ही प्यारा व्यू मुझे लगता है, एंड इस वक्त का जो वेदर है ये भी बहुत प्यारा है। ना आप लोगों को एक बात बताऊं, जहाँ से मैं ये व्यू ले रही हूँ यहीं से मेरा एक फ़ोन भी गिर चुका है, तो काफ़ी अच्छा मौसम भी है, एंड नींद आ गई तो मैं तो सो गई थी, फिर अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैं सो कर के उठी तो मुझे याद आ रही मेरा तो ब्लॉग चल रहा था, वो भी कंटिन्यू
मैंने भी इसको बाय नहीं बोला है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मुझे कपड़े भी फैलाने हैं, मशीन में रखे हुए हैं क्योंकि धुल तो चुके हैं पर मैं उनको फैला नहीं पाई, भूल गई खाना खाने के तुरंत बाद, बस सो गई मैं तो नहीं फैला पाई। मैं व्लॉग को स्टॉप करूँगी यहीं पे क्योंकि अब मुझे वही और आगे करना भी क्या, मैं बता देती हूँ कि जा रही हूँ कपड़े फैलाऊँगी क्योंकि वो पड़े हुए हैं, नहीं फैलाऊँगी तो स्मेल आ जाती है कपड़ों में। फिर जस्ट उसके बाद छोटे मोटे काम, थोड़ी सी क्लीनिंग करनी, क्लीनिंग नहीं एक्चुअली आज सुबह मैं झाड़ू लगाई थी पर पोछा नहीं लगाई थी तो अभी वो मैं लगाऊंगी। फिर काढ़े का टाइम हो जाएगा तो काढ़ा बनेगा, यही सब चलेगा। तो मैं ब्लॉग को करती हूँ स्टॉप, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं आप सब अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।